अब हम आते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ग्रामर पे. फॉर्मल डेफिनेशन, द ग्रामर कंसिस्ट ऑफ फोर टपल्स. दिस इज फोर टपल्स. व्हाट फोर टपल्स आर? द फर्स्ट इज सेट, सेट ऑफ वेरिएबल. सेकंड सेट इज सेट ऑफ सिंबल्स, टर्मिनल सिंबल्स. एस इज अ स्टार्ट वेरिएबल, दैट इज अ स्पेशल वेरिएबल, स्टार्ट वेरिएबल कहलाएगा. और पी इज अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स. अब इस एग्जाम्पल में जो हमने यूज किया ग्रामर में, तो हमारे पास वी क्या है, एस स्टार्ट वेरिएबल, ये सेट आ गया. टर्मिनल कौन कौन से थे यहाँ पे, ए और बी. और प्रोडक्शन रूल क्या थे, एस प्रोड्यूस ए एस बी, एस प्रोड्यूस लैम्डा. अब आते हैं जब सेंटेंशियल फॉर्म में और सेंटेंस में. जब हम प्रोडक्शंस कर रहे होते हैं तो जो इंटरमीडिएटरी स्टेप्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या कहलाएंगे, सेंटेंशियल फॉर्म. दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं द देन प्रोडक्शन इज इंटरमीडिएटरी स्टेज एंड इट कंटेन्स वेरिएबल, दैट्स कॉल्ड सेंटेंशियल फॉर्म. एंड व्हेन इट डज नॉट कंटेन अ वेरिएबल, इट कॉल्ड सेंटेंस. सेंटेंस बन गया. अब इससे फर्दर स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ सकती, यदि इसे फाइनल स्ट्रिंग, इससे इसको मजीद एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या किया, वेरिएबल जो एक्सटेंड करना था वो ख़त्म कर दिया, किससे, लैम्डा में कन्वर्ट करके. तो दिस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. सेंटेंस और सेंटेंशियल फॉर्म समझ में आ गई. अगर ये समझ में आ गई तो अब हम कह सकते हैं कि जब हम एस स्टार्ट किया और उसे ट्रिपल ए ट्रिपल बी बनाया, तो हमने क्या किया, मल्टीपल डेरिवेशंस यूज़ की. उन मल्टीपल डेरिवेशन को बनाने के लिए उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्टेरिक. इससे क्या होता है, दिस इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग ए कोड. वी कैन से एस प्रोड्यूस दिस स्ट्रिंग इन अ सेट ऑफ वन आर मोर स्टेप. दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे दिस स्ट्रिंग इज प्रोड्यूसेबल फ्रॉम एस इन वन आर मोर डेरिवेशन स्टेप्स. सो इसको यूं लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं. इस फॉर्म में लिखने से क्या होगा, आपका प्रोग्राम राइटिंग टेक्निक से कम्पैक्ट हो जाएगी, ब्रीफ हो जाएगी. ठीक है, अब फॉर लूप चलाते हो, फॉर लूप में आपने कहा प्रिंट हेलो वर्ड करना है 100 टाइम, तो प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट हेलो वर्ड कितनी दफ़ा चलाएंगे, 100 टाइम. उसकी बजाय क्या लिख देते हैं, फॉर लूप. सो दिस इज द टेक्निक राइटिंग है प्रिसाइज एंड कॉन्साइज कोड फॉर रिपीटेशन ऑफ द स्टेप्स. तो स्टैरिक लगा के आप बता दें कि ये इसमें बहुत सारे रिपीटेशन हो रहे हैं, जिसको हमने क्या किया, हाइड किया, डेटा हाइडिंग, कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंड यूजर, या हाइडिंग इंटरमीडिएटरी स्टेप्स. क्लियर है? आप कहते हो ना, अगर कहते हो कि यार कि आप इस क्लास में कैसे, क्लास तक कैसे पहुंचे, तो आप कहते मैंने एक कदम उठाया, फिर दूसरा कदम उठाया, फिर दूसरा कदम उठाया, बता दें भाई मैं आ गया बस. ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को आपने क्या कर दिया, एम्बेड कर दिया. अब एम्बेडिंग की डेफिनेशन को समझते हुए थोड़ा सा इससे आगे मैं चीज़ें निकालूंगा. वो यह डब्ल्यू वन है, और डब्ल्यू वन से हम डब्ल्यू एन प्रोड्यूस कर सकते हैं. जब डब्ल्यू वन से डब्ल्यू एन प्रोड्यूस करेंगे कितने स्टेप्स के अंदर, एनी नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर, सेट ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये सेट ऑफ मल्टीपल प्रोडक्शन के अंदर. तो इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू वन ने प्रोड्यूस किया डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू ने प्रोड्यूस किया डब्ल्यू थ्री, एंड करते 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 डब्ल्यू एन प्रोड्यूस हो गया. कितने स्टेप में, जीरो आर मोर डेरिवेशन स्टेप में. तो ट्रिवियली हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू इज प्रोड्यूसेबल फ्रॉम डब्ल्यू इन जीरो आर मोर देन वन स्टेप्स. तो इसको ब्रीफली फॉर्म में लिखने के लिए हम कह सकते हैं कि ये ग्रामर अगर हमारे पास है, तो हम कहते हैं एस प्रोड्यूस लैम्डा इन जीरो आर मोर स्टेप. कौन से स्टेप में, वन स्टेप में. एस प्रोड्यूस ए बी इन जीरो आर मोर स्टेप. इसमें तीन स्टेप आए थे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको छुपाने के लिए क्या कर देंगे, कि ये स्टैरिक लगा देंगे. और इसी तरह से हम एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग को शो कर सकते हैं कि स्टार्ट वेरिएबल से स्टार्ट किया, तो वन आर मोर आर जीरो आर मोर स्टेप में हमने ये प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर दी. सो फाइव टाइम ए फाइव टाइम बी प्रोड्यूसेबल फ्रॉम एस, यस, इसको इस तरह से लिख देंगे. ठीक है, तो हम कह देंगे इस स्टेज के बाद ये स्टेज है. थोड़ा सा कनेक्शन भी समझ लें, इस स्टेज के बाद ये स्टेज, उल्टा नहीं कर सकते कि इस स्टेज के बाद ये स्टेज, ऐसे नहीं कर सकते. इसका मतलब है ये स्टेज पहले आएगी और ये स्टेज बाद में आएगी. आप मैट्रिक पहले करेंगे, इंटर बाद में करेंगे, ग्रेजुएशन उसके बाद करेंगे, मास्टर्स
उसके बाद करेंगे, ऐसे नहीं मास्टर्स कर ली ग्रेजुएशन बाद में कर लें, ठीक है। सो यू डिफाइन स्टेजेस फॉर दैट। अनदर एग्जांपल, एक और ग्रामर लेते हैं, एस प्रोड्यूस ए बी और ए प्रोड्यूस ए बी और ए प्रोड्यूस लैम्डा। इसमें क्या होगा, शुरू में ही आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गया, ए के साथ बी प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि एट लीस्ट अब जाके आप क्या कर प्रोड्यूस कर सकते हो ए में लैम्डा, तो कम से कम एक करेक्टर ज़रूर प्रोड्यूस होगा। यानी ये स्ट्रिंग ऐसी है, ये ग्रामर ऐसी है जिसमें पहली स्ट्रिंग लैम्डा नहीं होगी, पहली स्ट्रिंग क्या होगी बी, पहली स्ट्रिंग लैम्डा नहीं बनेगी। तो इस तरह से आप इंश्योर कर सकते हो कि वेरिएबल चेंज कर दो, बजाय एस को ही रखने के एस की जाए ए वेरिएबल ले लो, और ए वेरिएबल से फिर दूसरा वेरिएबल ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, एंड सो ऑन। सो एस प्रोड्यूस ए ए बी बी टर्मिनल, एंड इसको आप फिर प्रोडक्शन में ले लो, तो मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी इसके अंदर बी। दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ग्रामर क्या बनी, ए एन बी एन फॉलोड बाई बी, एटलीस्ट वन बी ज़रूर होगा। और ये सारे स्टेप हमारे बताते हैं कि ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, ये सारे सारे इंटरमीडिएट स्टेप हैं। दिस स्ट्रिंग इज प्रोड्यूसेबल फ्रॉम एस स्टार्ट वेरिएबल, एस इज स्टार्ट वेरिएबल, लेकिन दरमियान वाले वेरिएबल हमने ऐड कर दिए, वो कोई भी हो सकते थे, लेकिन हम कहते हैं ये प्रोड्यूसेबल है यूजिंग दैट ग्रामर। अब इसकी जनरलाइज ग्रामर की डेफिनेशन बनाते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में। ये सारी चीज़ें इसलिए एक्सप्लेन की ताकि हम इसकी लैंग्वेज की फॉर्म में डेफिनेशन बना सकें। तो हम कहेंगे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज ऑफ जी, व्हाट इज़ लैंग्वेज ऑफ जी, ग्रामर की लैंग्वेज क्या है। हम कहेंगे लैंग्वेज ऑफ जी इज डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू इज प्रोड्यूसेबल फ्रॉम स्टार्ट वेरिएबल इन सेट ऑफ इंस्टेंटेनियस डेरिवेशन, डेरिवेशन की फॉर्म में ये प्रोड्यूसेबल है। और व्हाट इज डब्ल्यू, द डब्ल्यू इज बिलोंग्स टू टी स्टार, एंड व्हाट इज टी, टी इज अ सेट ऑफ टर्मिनल, और टी स्टार का मतलब है उनका कम्बिनेशन, टर्मिनल का कम्बिनेशन। तो हमने एल ऑफ जी की डेफिनेशन बनाई इस तरह से। हमें ये क्यों बनाना पड़ा ये वाला, ये समझाने के लिए कि किसी भी ग्रामर की लैंग्वेज बनाओगे जब तुम इस तरह से बताओगे कि ग्रामर के जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्रोड्यूसेबल फ्रॉम स्टार्ट वेरिएबल ऑफ दैट ग्रामर एंड जनरेटेड थ्रू द कंटिन्यूस डेरिवेशन, जीरो और मोर डेरिवेशन, जीरो और मोर डेरिवेशन यहाँ हमने बता दिए। तो इस तरह से हमारे पास ए एन बी एन बन गई। अब हम कह सकते हैं सिंस एस स्टार्ट एस प्रोड्यूस ए एन बी एन फॉलोड बाय बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे एस प्रोड्यूस ए एन बी एन फॉलोड बाय बी। अच्छा, एक और तरीका भी है लिखने का, मैं ये लिखूँ ए प्रोड्यूस ए ए बी ए ए वेरिएबल बी एंड ए प्रोड्यूस लैम्डा, तो इसको एक ही स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ ए ए बी आर लैम्डा। ये पाइप क्या यूज़ होगा, और साइन के लिए। तो यू कैन कम्बाइन, अगर वेरिएबल दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे दोनों में वेरिएबल अगर कॉमन है तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर डिफरेंट है तब नहीं लिख सकते क्योंकि लेफ्ट साइड तो आप वही देंगे ना। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल ए और डी है, तो हम कह सकते हैं आर्टिकल इज ए आर डी।